यूट्यूब पर अभी तक मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड, और इतनी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एक ही फ़ोन पर चलाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा उन एप्लीकेशन का जो कि मैं खुद पर्सनली अपने फ़ोन पर यूज़ करता हूँ, बताऊंगा कि इनमें कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं जिसके कारण आपको इन्हें यूज़ करना चाहिए, और इन सारी एप्लीकेशंस की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन पर, मतलब डिस्क्रिप्शन पर इनकी डाउनलोडिंग लिंक्स है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। हाय एवरीवन, एफसी फोर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रशेखर पटेल और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कि कौन कौन सी एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर उसके बारे में। और ये वीडियो ऑलमोस्ट 5 मिनट का होने वाला है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो चाहो तो, बट लाइक ज़रूर कर देना एंड में। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहली एप्लीकेशन आज की इस वीडियो में होगी मेरी, वो होगी कॉल रिकॉर्डिंग। बेसिकली हम में से काफ़ी सारे लोग कॉल रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एप्लीकेशन है कॉल रिकॉर्डिंग। नीचे लिंक मिल जाएगी सबसे पहले ही ये, तो आप इसे इंस्टॉल करना। बेसिकली ये सबसे अच्छा काम करता है। मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन ट्राई करके देखी थी, किसी में मेरी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती थी और जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है उसकी आवाज़ नहीं आती थी, मतलब स्पीकर की वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती थी। तो इस वाली एप्लीकेशन के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये क्लाउड सपोर्ट कर लेता है, मतलब आपकी जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग है वो आपकी गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉप बॉक्स में सेव करवा के रखवा सकते हो, और जब भी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े आप उसे वापस ले सकते हो। तो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, आपको ट्राई करना चाहिए। इसका प्राइम वर्जन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, तो नॉर्मल वाले से भी आपका काम हो जाएगा, और ट्रू कॉलर में भी सेम फीचर है मगर उसके लिए प्राइम मेंबर लेना जरूरी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एस एम एस ऑर्गेनाइजर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, काफ़ी पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में इसको शामिल किया हुआ था। तो ये आपके SMS को बांट के रखेगा, ट्रांजेक्शन हुए, स्वैम पर मैसेज है, प्रमोशनल मैसेज है, पर्सनल मैसेज है, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आपको ऐसे छाटना नहीं पड़ेगा मैसेज कौन सा डिलीट करना है कौन से रखना है, ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर देगा या फिर सेटअप ऑर्गेनाइज कर देगा आपके SMS को, तो आपको ईजी हो जाएगी काफ़ी देखने में। इसके अलावा जब आप इसमें सेटिंग पर जाएंगे तो आपको SMS का बैकअप लेने का ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए आपका फ़ोन गुम भी गया तो आप वापस से सारे मैसेज रिकवर कर सकते हो, कमाल की चीज़ है काफ़ी, और थीम सपोर्ट भी करता है इसमें, तो इसे भी इंस्टॉल करनी चाहिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फाइल गो। बेसिकली व्हाट्सअप और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारे पास में मीडियाज़ बढ़ते जाती हैं या फिर फोटोज़, जिसके कारण फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाता है और स्टोरेज भी नहीं बचती है फ़ोन पर, तो आप यूज़ करिए फाइलगो एप्लीकेशन का। ये सारी टेम्प्रेरी फाइलें, कैश फाइलें, डुप्लीकेट्स फाइलें, यूजलेस एप्लीकेशन और जितना भी डाउनलोड डेटा है उसे क्लियर करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा यदि आप कोई फोटोज़ वगैरह लेते हैं कैमरा से तो डायरेक्टली आप उसे ना गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं या गूगल फोटोज़ पर भेज सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं फोटोज़ अपने फ्रेंड्स को वाईफाई और ब्लूटूथ की मदद से। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होने वाली है वो है अनसीन। बेसिकली ये एप्लीकेशन व्हाट्सएप मैसेंजर, व्हाट्सएप के लिए, मैसेंजर के लिए और जितनी भी सारी मतलब मैसेंजिंग एप्लीकेशन उसे सपोर्ट करती है। मान लीजिए आपको कोई मैसेज करता है और डिलीट कर देता है और आप उसे पढ़ नहीं पाते हो, तो ये व्हाट्सएप की जितनी भी मैसेज उन्हें सेव करके रखता है। थोड़ा एड इसमें ज़्यादा आती है बट यूज़फुल एप्लीकेशन है, सारे मैसेज इसमें सेव हो जाते हैं डिलीट करने के बाद भी। इसके अलावा यदि आप ऐड रिमूव करना चाहते थे यू हैव टू परचेज अ प्राइम वर्जन, जिसकी मदद से आप ऐड हटा सकते हो और काफ़ी सारी थीम सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा इस एप्लीकेशन की, तो इसे भी आपको इंस्टॉल करना चाहिए, देखना चाहिए, वैसे कमाल की एप्लीकेशन है ये भी। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो होने वाली है वो वाई म्यूजिक। बेसिकली इट्स अ मॉडिफाई वर्जन ऑफ यूट्यूब, मतलब जो लोग यूट्यूब पर गाने सुनते हैं खाली गाने सुनते हैं देखते नहीं हैं, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ये MP3 में कन्वर्ट करके सारे गाने सुना देगा। इसके अलावा इसमें जो सबसे अच्छा फीचर लगता है वो है स्लीप मोड। बेसिकली जिन लोगों को नींद नहीं आती है या फिर गाने सुनकर नींद आती है तो ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, इसमें स्लीप मोड होता है, ऑटोमेटिकली आप टाइमर सेट कर दो, म्यूज़िक कितनी देर तक चलेगा देन बंद हो जाएगा, और आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो, अपना प्लेलिस्ट बना सकते हो ट्रैकों की, तो काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है ये भी। और MP3, MP4, 1080 सारे फॉर्मेट्स में आप यहाँ पर वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी होने वाली वो है एड स्किप। जो लोग यूट्यूब पर अपना ज़्यादा समय देते हैं, मतलब यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बेसिकली दिखा भी देगा कि आप कितना यूट्यूब यूज़ करते हो। इसके अलावा यूट्यूब पर जितनी भी एड्स आती हैं उन्हें ऑटोमेटिकली स्किप कर देता है और म्यूट कर देता है, और ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक बटन है नीचे उसे दबा दीजिए, शेयर करिएगा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, बहुत ही जल्द।